मजलूम की आवाज पीएम न्यूज, सिर्फ और सिर्फ आशिक सहू के साथ पीएम न्यूज। अस्सलाम वालेकुम, बिग स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है आशिक सहू। नाज़रीन, आज पीएम न्यूज की जो टीम है उसने सिद्धार्थ है जो इस्लामाबाद रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन के सदर हैं, उनके ऑफिस है विन विन एसोसिएट्स, उसका विजिट किया है। तो आज जो पीएम न्यूज की टीम है वो सिद्धार्थ तैयार साहब से पूछेगी कि कौन से ऐसे साजिशी अनासर हैं जो प्रॉपर्टी डीलर्स के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हैं, और साथ जो हुकूमत ने टैक्स लगाए हैं जिससे जो प्रॉपर्टी की दुनिया से वो बस्ते फराद हैं उनका भी नुकसान हुआ है। और साथ हम सिद्धार्थ तैयार से ये भी पूछेंगे कि फर्स्ट ऑटो एंड फेज टू की जो हकीकत है वो क्या है, और जो चौधरी मजीद है उसके खिलाफ जो लोग साजिश कर रहे हैं उसका हकीकत से क्या तल्लुक है। जी अस्सलाम वालेकुम सिद्धार्थ साहब। जी वालेकुम सलाम जनाब सब साहब। सिद्धार्थ साहब, सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने एक बहुत अच्छा ऑफिस बनाया है, और क्या ये जो आपका ऑफिस है ये सिर्फ प्रॉपर्टी अपना कारोबार के हवाले से है, या जो आपकी यूनियन है उसका भी इसमें कोई किरदार होगा या उनके जो मसाइल हैं उससे? जी बहुत शुक्रिया सब साहब। बेसिकली तो ये मेरा बिजनेस का ऑफिस है, विन मार्केटिंग एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड जो मेरी कंपनी है उसका ऑफिस है। लेकिन जाहिर है जहाँ मैं बैठूँगा वहाँ पे लोग अपने मामलात लेके आएंगे, तो इंशाल्लाह हम उनको यहीं पे इंटरटेन भी करेंगे। यहाँ पर हमारी जो मीटिंग्स हैं उसके लिए भी ये मेरी जगह हाजिर है रियल एस्टेट के हवाले से, और उसके अलावा भी दीगर भी तकारीब जो होंगी वो यहाँ पे होंगी बिजनेस की भी और बिजनेस के अलावा भी। सिद्धार्थ साहब, ये जब से आपका इलेक्शन हुआ है तो कुछ ऐसे अनासर हैं जो आपके अपने ही थे अभी साजिशों में मसरूफ हैं, उनका हकीकत से क्या तल्लुक है, और साथ हैं उसका कोई आप सीधे बाप कर रहे हैं कि वो आपके भाई हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए? देखिए जी, हम सब भाई हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, और ये वेलफेयर का काम है। इस वेलफेयर के काम में जिससे अल्लाह ने ये काम लेना है, जाहिर है इसमें कुर्बानी भी है आपकी अपनी, आपकी फैमिली के वक्त की, आपके कारोबार की, इन तमाम चीज़ों के लिए आपको इस वेलफेयर के लिए आपको बहुत सारा वक्त सर्व करना पड़ता है। जो दोस्त ये करना चाहते हैं वो अपने आप को लोगों के सामने उन्होंने पेश किया है, जिसको लोगों ने इलेक्ट किया वो जो आज के दिन में लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और बाकी कोर्ट में मैटर्स चल रहे हैं वहाँ पे हम अपना जो मौकफ है और जो जिस तरीके से इलेक्शन हुआ वो सारे दुनिया ने देखा, जैसे हमारी इलेक्शन कैंपेन थी वो सब लोगों ने देखी, जितनी भरपूर लोगों ने इसके अंदर शिरकत की वो भी सब ने देखी। तो डेफिनेटली हमने अपनी तरफ से जो पिछले 4 साल की परफॉर्मेंस थी मेरी या मेरी टीम की उसको लोगों ने सराहा, और दोबारा अल्लाह के हुक्म से उनको मुंतखब किया है। तो हम मुंतखब होके वही जो खिदमत का तसलसल है वो आज भी हमने जारी रखा हुआ है। बाकी कोर्ट के अंदर मैटर्स चल रहे हैं उसको हम भी फेस कर रहे हैं, झूठी एफआईआरें भी हमारे ऊपर कटाई जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था, उनको भी तहकीकाती जो तफ्तीशी टीम थी और जो हमारी इस्लामाबाद पुलिस ने बड़ी मेरिट के ऊपर तफ्तीश करके जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि 324 का एक दफ़ा लगाया था, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़त्म हो चुका, और उसमें भी अल्लाह ताला ने हमें बाकी मामलात की तरह सुरखरू किया, और जो कोर्ट के अंदर मैटर्स हैं उसमें भी अल्लाह ताला हमें इससे पहले भी सुरखरू किया और इसके बाद भी सुरखरू किया, इंशाल्लाह हम होंगे, हमें अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है। ये छोटे मोटे इश्यूज जो हैं वो चलते रहते हैं, हम एक कम्युनिटी हैं, मेरी कोशिश होगी कि मैं हम दोस्तों को भी साथ लेके चलूं, जैसे हम पहले साथ चल रहे थे तो मैं उनको साथ लेके चलूं। ये इलेक्शन के माहौल में हो जाता है बाज़ औक़ात के ऊपर नीचे, लेकिन ग्रेसफुली चीज़ों को लेके चलना चाहिए और बैठ के टेबल के ऊपर चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहिए। हम सारा दिन मसालियत कराते हैं सब लोगों की, तो हम इंशाल्लाह हम अपनी मसालियत भी खुद करके इसको रिजॉल्व करेंगे। सिद्धार्थ साहब, आपने हमेशा जो आपकी बिरादरी है प्रॉपर्टी डीलर के जो लोग हैं हमेशा आपने उनकी आवाज़ को बुलंद किया है, अभी जो टैक्स लगाए गए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उसके लिए आपकी जो पहले भी आपने कोशिश की, अभी किस हद तक आप कामयाब हुए हैं कि ये टैक्स इसी तरह कायम दायम रहेंगे या इसका कोई हल निकलेगा? देखिए जी, हमने अपना भरपूर मौकफ हर गवर्नमेंट के सामने रखा, और जिस गवर्नमेंट ने हमारी बात को माना और हम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के मुशावरत के नतीजे में जो भी टैक्सेस आए वो लोगों ने एक्सेप्ट भी किए, और उस
उसकी वजह से खरीदार और फरोख्तमंदा को बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ा और लोगों का कारोबार भी चलता रहा। कंस्ट्रक्शन के लिए भी लोगों के पास लोगों ने बहुत एक्टिविटी की, बहुत ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन भी हुई। और इसके बाद अब जो IMF के हम जाहिर एक प्रोग्राम में हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है उसके भी बहुत सारे लिमिटेशंस हैं कि उस प्रोग्राम की वजह से वो फिल फॉर टैक्सेस को उस तरीके से कम नहीं कर पा रहे। लेकिन ये कन्विंस करने की ज़रूरत है IMF को भी कि हमारा पहिया तो तब चलेगा जब ये कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री चलेगी, जिस वक्त रियल का कारोबार चलेगा। 60 से 70 लाइट इंडस्ट्रीज हैं वो साथ चलती हैं। स्टील की प्राइसेस आप देख लें, सीमेंट की प्राइसेस आप देख लें, आप बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जिनके ऊपर 70-80% काम हो चुका है लेकिन फिनिशिंग के लिए जो मटेरियल है वो अवेलेबल नहीं है कि उसकी इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं तो वो चीज़ें इंपोर्ट नहीं हो पा रही। इसलिए आप शैंडलियर लेने के लिए जाएंगे तो वो आपको कहेंगे कि मेरे पास एक शैंडलियर पड़ा है। आपको अगर बिल्डिंग के लिए चाहिए मटेरियल तो वो अवेलेबल नहीं है, तो ये इस वजह से बिल्डिंग्स लेट हो रही हैं। फिर जो स्टील की प्राइसेस हैं वो इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि इस हालत में प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करना बिल्डर के लिए मुमकिन नहीं रहा कि अगर 1 लाख रुपए टन पे के स्टील के ऊपर बिल्डिंग प्लान की थी और आज 3 लाख रुपए टन के हिसाब से उसकी प्राइस हो गई है तो ये बहुत ही ज़्यादा प्राइस है। उसकी वजह जाहिर है डॉलर की प्राइस ऊपर गई है, इन्फ्लेशन की वजह से ये सारे काम हुए हैं। लेकिन हमें पाकिस्तानी रुपी में बहुत नुकसान हुआ है इसका, लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हमारा ये मुतालबा है कि आप हमारे साथ बैठ के इस इशू का सलूशन लें, क्योंकि आपके पास गवर्नमेंट में जितने लोग हैं वो हमारे कारोबार को नहीं समझ सकते, तो उनको समझने के लिए हमें अक्रॉस द टेबल बैठा के हमसे उसकी तजावीज़ लें। आपके रेवेन्यू के टारगेट्स भी पूरे होंगे और इसी तरह आपके जो रेवेन्यू के टारगेट्स के अलावा मईशत का पहिया भी चलेगा। अच्छा सिद्धार्थ साहब, आपने हमेशा ये जो गैर कानूनी सोसाइटी का लेबर लगा जो लोग हाउसिंग सोसाइटीज बना रहे हैं आपने आवाज़ भी उठाई, आप क्या समझते हैं कि कौन से लोग हैं जो हाउसिंग सोसाइटी जिला में बड़ी रुकावट है और कौन से इदारे हैं जो आप लोगों को LOC नहीं दे रहे जिसकी वजह से ये जो हाउसिंग सोसाइटी बदनाम हो रही है? जी मेरे ख्याल से हमें जो अप्रूवल का सिस्टम उसको हमें थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत है। जो अप्रूवल्स हैं वो इस तरीके से दी जा रही हैं, वो एक सोसाइटी की अप्रूवल लेना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। तो ये जो हमारे इदारे हैं मुतलका रोटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी या CDA होगी या दीगर इदारे हैं, तो लोगों को सहूलत फराहम करनी चाहिए ताकि वक्त के ऊपर लोगों के NOCs हों और गैर कानूनी जो सोसाइटीज़ हैं उनका रास्ता रोका जा सके और लोग उनकी वेबसाइट के ऊपर मुतलका अथॉरिटीज़ की वेबसाइट पे देख के खरीदें, अपनी प्रॉपर्टी को बाय करें। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वन विंडो सॉल्यूशन के ज़रिए तमाम लोगों को NOC जो है उनके जिनके फॉर्मेलिटीज़ पूरी हैं उनको बगैर सिफारिश के बगैर किसी लालच के फौरी तौर के ऊपर NOCs जारी किए जाने चाहिए। सिद्धार्थ साहब मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि ये फर्स्ट ऑन फर्स्ट हो जिसके भी जो आवाज़ें आसमानों तक पहुँच चुकी हैं उसमें क्या सदाकत है? क्या चौधरी मजीद के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि रिबेट खा गया है, अरबों रुपए कतर मुंतकिल हो गए, होटल खरीद लिया है या अपराधे खरीदे जा रहे हैं, तो आप उनके करीबी दोस्तों में शुमार होते हैं, इसमें कितनी सदाकत था कि जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जो ये बातें कर रहे हैं उनको जो वो सच है या झूठ है उनको रोका जा सके? देखिए आशिक साहू साहब, चौधरी मजीद एक ब्रांड का नाम है। चौधरी मजीद साहब ने इससे पहले भी कामयाब प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं। 22 साल से मैं ऐसी 30 साल से जानता हूँ सोसाइटीज़ को कि जिन्होंने एक गली पक्की नहीं किया। चौधरी मजीद साहब ने E11-1, E11-3, B17, F17, फैसल टाउन, फैसल हिल्स, C Square, ऑर्चर्ड रेजिडेंशिया, ये वो कामयाब प्रोजेक्ट हैं बैरियर टाउन और DHA के बाद अगर सबसे बड़ा डेवलपर इस पाकिस्तान के अंदर है तो वो ZM इंटरनेशनल है, फैसल टाउन प्राइवेट लिमिटेड है। उन्होंने इससे पहले भी डिलीवर किया है और मैंने सबसे ज़्यादा बुकिंग की अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से, और एक एक पेनी के हिसाब से मैंने अपना रिबेट ना सिर्फ खुद लिया बल्कि चौधरी साहब ने
एक शॉट में सारा रिबेट हमने पे किया, और पे करने के बाद हमसे जिन लोगों ने बुकिंग करवाई थी उन सब लोगों को हमने पे किया। जरूर थोड़ा सा डिले उसकी वजह ये है कि लोग इस प्रोजेक्ट को खरीदना चाहते थे, रश इतना ज्यादा हो गया कि सिस्टम चौक हो गया। तो जैसे जैसे आप एक इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि सबसे पहले आपने एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाया, एप्लीकेशन की फॉर्म की स्क्रूटनी हुई कि क्या इसके अंदर नंबर इंफॉर्मेशन पूरी सही है या नहीं है, फिर उसके बाद उसकी रसीद कटती है, फिर रसीद कटने के बाद उसको सॉफ्टवेयर पे अपलोड किया जाता है, अपलोड करने के बाद फिर उसके ताकि सही तादाद मालूम हो सके कि कितने लोग हैं, और फिर उसी हिसाब से आपको रिबेट मिलना था। तो जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद तमाम लोगों को रिबेट इशू हुआ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी बुकिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमारी थी, हमने रिबेट लिया, और लेने के बाद लोगों में जो हमारे सब एजेंट्स थे हमने उनमें तकसीम किया। तो ये अगर कोई बात कहे कि रिबेट नहीं मिला या खा गया या पी गया, ऐसी बातों में कोई सदाकत नहीं। थोड़ी बहुत जो देर हुई उसके पीछे भी ये रीजन थी कि चूंकि सेल ज्यादा हुई, आपको पता उन दिनों में हर शख्स जो है वो पे ऑर्डर हर बैंक में फैसल टाउन का ही मिल रहा था। ये क्यों बन रहा था? यहाँ और भी 50 सोसाइटियां अभी आई हैं। फैसल टाउन 2 का 3000 कनाल के ऊपर सिर्फ मरकज डिजाइन हुआ है, 3000 कनाल के ऊपर 500 फुट के बुलेवार्ड है। इंशाल्लाह मंडे को हमारा विजिट है, हम जाके साइट दोबारा विजिट करके आएंगे। जब हमने पहले ये शुरू किया था उस वक्त भी हमने जाके साइट विजिट की, सारी साइट को देखा, हमने पसंद की, बैठ के रेट तय किया, बैठ के रिबेट तय किया, और जब हमने ये तय कर लिया उस वक्त ये डील लॉन्च हुई, और तमाम लोगों ने हर एक शख्स ने इसमें बहुत अच्छा पैसा कमाया है, और आज लोग इसी लोगों को कुछ एडजस्टमेंट के बारे में शकूक व शुबा थे, उनको समझ नहीं आई, लेकिन बाद में हमने खुद मार्केट से 6% के ऊपर 7% के ऊपर लोगों से हमने जबरदस्ती खरीदी है। ये जो एडजस्टमेंट थी वो हमने खरीदी लोगों से, और अपने जिन जिन लोगों के ड्यूज बकाया थे उसमें हमने जमा करवाई। तो किसी जगह के ऊपर कोई एम्बिग्विटी नहीं है, बहुत ही जबरदस्त आउटक्लास प्रोजेक्ट है। और यही आप देखेंगे कि इस्लामाबाद का सबसे बड़ा डाउनटाउन जो है वो ये फैसल टाउन 2 का प्रोजेक्ट होगा। मुझे और आपको अल्लाह ने सेहत और जिंदगी दी तो ये कोई दूर की बात नहीं है, ये नियर फ्यूचर में इंशाल्लाह। और चौधरी साहब ने हमें ये बताया था कि 31,000 प्लॉटों का जो पोजेशन है वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जल्द अज जल्द लोगों को कब्जा दिया जाए। हम वहाँ विलास भी बनाएंगे, वहाँ हम कंस्ट्रक्शन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी बनाएंगे, वहाँ हम कमर्शियल भी बनाएंगे, स्कूल बनेंगे, यूनिवर्सिटीज बनेंगे, कॉलेज बनेंगे। तो वो शख्स काम करने वाला है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। यहाँ पूरे इस्लामाबाद में हजारों के हिसाब से सोसाइटीज हैं जिनके ऊपर लोग पकोड़े रख के खाते हैं, उन जिनकी फाइलों के ऊपर। तो और जोई साहब का इस वक्त पाकिस्तान में सबसे महंगा अगर रेजिडेंशियल प्लॉट है E11-3 में, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज में। आप देखिए वहाँ घर आज 15 से 18 करोड़ रुपए का घर हो गया। E11-4 में पुलिस फाउंडेशन भी है, पुलिस फाउंडेशन का तो महंगा नहीं था, महंगा नहीं है, उसको किसी ने रोका तो नहीं था कि तुम्हारा प्लॉट महंगा ना हो। क्यों? इधर आपको साफ सुथरी स्ट्रीट्स मिलेगी, गेटेड कम्युनिटी मिलेगी, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, इधर आपको पार्क मिलेगा, इधर आपको खूबसूरत मस्जिद मिलेगी, इधर आपको मरकज मिलेगा, और फिर सबसे बड़ी बात है मेंटेनेंस मिलेगी। मेरी अपनी रिहायश 11-3 में है, हमारे बच्चे महफूज हैं। बाकी ये रोज जो हालात चल रहे हैं G13 में, कल एक बच्चा जो है वो उसकी जान चली गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 11-3 में पीसफुल इन्वायरमेंट में बच्चे रात को साइकिलिंग करते हैं, घूमते फिरते हैं, लेडीज वॉक करती हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर वक्त सिक्योरिटी जो है वो मल्टी की वो वहाँ पर हर वक्त उसको घूमती रहती है और लोगों का ख्याल रखती है। तो लिहाजा मेरी आपसे ये जो लोग हैं इनकी बातों पे कान न धरें। ये जो आप हमेशा हर इस रिसेशन के बावजूद आप देखिए कि चौधरी साहब ने हमेशा वक्त के ऊपर चीज़ को डिलीवर किया है। हाँ 10-20% कमी पेशी इंसान में हो सकती है, यहाँ कोई नबी नहीं है। हर शख्स जो है वो कारोबारी शख्स है, कुछ हालात की वजह से, कुछ
आगे लोगों की कमिटमेंट की वजह से जमीन कमिट की, बाद में लैंड प्रोवाइडर ने लैंड उस तरीके से प्रोवाइड ना कर सका, तो वो हो सकता है। लेकिन मैंने हजारों कनाल जमीन खुद जाके अपनी आंखों से देख के विजिट किया, और इंशाल्लाह मंडे को फिर हम विजिट करेंगे, और फिर उसके बाद आप मेरे पास आइएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि उस वक्त में जब हम पहले आज से 5 महीने पहले विजिट करके आए थे और आज के विजिट में क्या फर्क है। सर मैं जो आपके ऊपर एलिगेशंस है कैसे आपने चौधरी मजीद के साथ मिलकर 5 रुकन को आपकी कमेटी थी जो रुकावट बने जो रिबेट से उसमें कितने सदा कर रहे यार, मुझे ये बताएं कि पहले जब चोई साहब ने कभी जिंदगी में रिबेट डिसाइड किया है तो वो क्या आपको बुला के रिबेट डिसाइड करते थे? किसको बुलाते थे? हमारे पास तो इंफॉर्मेशन आई है। नहीं नहीं मुझे बताएं ना, मैंने तो पूछ रहा है आपसे। आपने मुझे पूछ रहे ना, मैंने कहा किसको बुला के रिबेट तय करते थे? फैसल टाउन 1 का रिबेट किसने तय किया था? हम या हम जैसे 4-5-6 वो लोग मेन स्ट्रीम उन्होंने तय किया था? मल्टी का रिबेट किसने तय किया? हम जो 5-7-8 लोग जो करीब के और जो 25-30 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों ने रिबेट। फैसल हिल का किसने किया? बाकी जितने प्रोजेक्ट हैं वो किसने किया? जिन लोगों ने पहले रिबेट तय किए उन्होंने इस दफा भी रिबेट तय किया। और चौधरी साहब ने हालांकि उनकी ख्वाहिश थी कि वो प्रोजेक्ट अगर लाना चाहते तो ये महंगा प्रोजेक्ट ला सकते, कैपिटल स्मार्ट सिटी में 32 लाख रुपए का आपको आपका प्लॉट है और 2 लाख रुपए पर मरला डेवलपमेंट चार्जेस हैं, तो ये 42 से 43 लाख रुपए बनते हैं। चौधरी साहब ने आपको 27 लाख रुपए में ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर दिया है, तो मैं समझता हूं कि ये प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा है, रेट भी बहुत रीजनेबल है, और 5 रुकनी कमेटी जो आप अभी बात कर रहे थे जो कैपिटल स्मार्ट सिटी वाले बाद में डेवलपमेंट चार्जेस लगाएंगे, चौधरी साहब ने जो 25 लाख का दिया 5 मरले, इसमें डेवलपमेंट चार्जेस नहीं, इसमें डेवलपमेंट चार्जेस शामिल है। ठीक है, इसमें डेवलपमेंट चार्जेस ऑलरेडी हमने इंक्लूड करवाए, हालांकि एस्केलेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसके बावजूद ये जो प्राइस है जो अपने वक्त के ऊपर पैसे जमा करवाएगा उसके ऊपर कोई 1 रुपए की एस्केलेशन नहीं मिलेगी। सिद्धार्थ साहब ये फैसल हिल्स में भी ऐसा हुआ, आप मेरी बात से निराश होना क्योंकि आप बहुत ज्यादा सपोर्टर भी हैं दोस्त भी हैं, फर्स्ट हेल्थ में भी सेम यही हुआ, पहले रेट बताया कि ये रेट है ये रेट है, उसके बाद जब आपको पता फड्डे भी बने मसल मसाइल भी बने, क्या अगर ये महंगाई होती है ये चीज़ें जो साहब के अप्रोच में नहीं रहती तो क्या ये डेवलपमेंट चार्ज लगाए जाने या नहीं? देखिए मेरी बात सुने, फैसल हिल के अंदर भी किसी के साथ कोई ज्यादा नहीं, एक शख्स ने प्लॉट बेचा था, हमने पहला प्लॉट फैसल हिल में बेचा 14 लाख रुपए का, 14 लाख रुपए का 3-4 साल की किस्तों के ऊपर। अब 3-4 साल की किस्तों पे आपने एक प्लॉट खरीदा है, आपने डाउन पेमेंट दी उसकी 4 लाख, क्यामत तक उसके आपने क्या पैसे नहीं देने? जिसको 5 साल के बाद प्लॉट की प्राइस होगी 70 लाख रुपए, प्राइस होगी 60 लाख रुपए, आपने वहां दी हुई थी 1 किस्त 2 किस्तें, तो मुझे ये बताइए DHA की वेबसाइट पे आप जाते हैं कभी, आपने इंटरव्यू जाके आप में से किसी की जरूरत हुई है जाके करने की कि जनाब आप तो कैलकुलेटर आपने ऑनलाइन रखा हुआ है कि इतने एक दिन लेट होगा तो अगले दिन ये पैसे जमा करा के जुर्माने के आप में जमा कराने, उससे अगले दिन फिर जुर्माना, उससे अगले दिन फिर जुर्माना, ये CDA है, CDA के प्लॉट ऑक्शन होते हैं, पर डे के हिसाब से आप फाइन जमा करवाते हैं, वहां तो आपने जाकर कभी इंटरव्यू नहीं किया कि ये क्या हुआ। 14 लाख रुपए का जिसने प्लॉट बेचा है वो 5 साल के बाद अगर उसको 5 लाख रुपए आपके ऊपर एस्केलेशन डाल दी, आपके प्लॉट की प्राइस 60 लाख रुपए होगी, तो उसने कौन सा गुनाह, वो क्यामत तक कह ना ले, ये टॉप सिटी वाले जायद साहब आगे पीछे लोग बैठे पूछे क्या, बाकी डेवलपर कोई जुर्माना नहीं लेता, फ्री ऑफ कॉस्ट प्लॉट दे देता है, 14 लाख तो 14 लाख पड़ेगा। डीलरों की नुमाइंदगी आप कर रहे हैं, सबसे पहले आपने कौन सी आवाज उठाई वो मुझे बता दें। भाई जान हमारा काम है इदारों के खिलाफ आवाज उठाना, हमारा काम है अगर कोई काम गलत हो रहा है तो हम RDA को CDA को मजबूर करें, ये CDA का काम है, प्रोग्रेटिव है उनका कि अगर किसी जगह पे कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है तो वो जाए उसको बंद करे, हमारा काम है RDA के साथ, हमारा काम है CDA के साथ। हमने ये कहा आप किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई मैंने 10 साल जो है वो प्लॉट के पैसे नहीं दिए,
आप चलें 14 लाख रुपए का ये आपने बेचा था, तो आपने अगर 20 लाख रुपए एस्केलेशन डाली है तो यार 10 कर दे। ये रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं हम, लेकिन ये तो नहीं कर सकते कि तुम्हारे ऊपर पाबंदी है कि तुमने तो कब्जा भी दे दिया है और वहां वाटर यूटिलिटी हर चीज मौजूद है, कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गई है, मुझसे आज भी वही 14 लाख रुपए। तो ये पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, पूरे पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता किसी वजह से। और जिस तरह डॉलर बढ़ा है, जिस तरह इन्फ्लेशन हुई है, आप बताएं पेट्रोल की प्राइस कहां से कहां चलेगी। तो बिल्डर या डेवलपर, हम देखें खुद बना रहे हैं, मैं ई पार्क बना रहा हूं फर्स्ट करें, हमने पहले बेचा था 7,000 रुपए के हिसाब से, 6,000 रुपए के हिसाब से बेचा हमने। अब जिन लोगों ने तो 6,000 के हिसाब से अप टू डेट हमने पेमेंट्स किए, उनसे हमने 500 रुपया भी ऊपर नहीं लिया, लेकिन जिन लोगों ने नहीं दिए उनके ऊपर हमने एस्केलेशन डाली कि आपके जितने स्क्वायर फीट जितने पैसों में पूरे होते हैं आपको वही रेट चार्ज होगा। जो आपने नहीं दिए, जहां आपने डिफॉल्ट किया वहां, चूंकि हमें इस वक्त सरिया 3 लाख रुपए टन मिल रहा है, तो ये हमने पास ऑन करना है उन्ही लोगों की तरफ जो इसको आज हम जो आज पेमेंट कर रहे हैं। तो ये एक जस्टिस के ऊपर मबनी फार्मूला है, ये इंसाफ के ऊपर मबनी फार्मूला है। आप भी कारोबार करेंगे तो आप ऐसा कभी भी नहीं कर सकते कि आप ये कहें किसी को कि मैं पैसे आपको कोई भी ना दे और आप कहें कि आपका अखबार चल सकता है, अगर आपने तनख्वाहें नहीं देंगे लोगों को आप कैसे चलाएंगे, नहीं चला सकते ना आप। तो आपको जाहिर है जिसने ऐड दिया है उसने पेमेंट आपको करनी होगी, अगर वो ना करे पेमेंट और आपके ड्यूज उसकी तरफ साला साल बन जाए तो आपका इदारा बंद हो जाएगा जाहिर है। तो भाईजान इधर भी यही सिचुएशन है, तो हमें अपने काम के ऊपर फोकस करना चाहिए। जो काम करने वाले लोग हैं वो आज भी काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं, सारी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुद जब विजिट करेंगे तो आपके जहन में आने वाले छोटे मोटे जो डाउट्स हैं वो भी दूर हो जाएंगे। आप लोगों को यहाँ काम करने वाले इस पाकिस्तान में चंद लोग हैं, और वो क्या कहते हैं, ढूंढोगे मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं। वो फिर आप जब इनको गंवा बैठेंगे तो फिर सारी जिंदगी आपको फ्रॉडिये मिलते रहेंगे, जो पाकिस्तान के साथ इस वक्त तक हुआ है उसी तरह ये आगे भी होता रहेगा। नाज़रीन, आपने सिद्धार्थ महमूद की बातें सुनी, इसमें कितनी सदाकत है और फेज़ 2 के साथ तक कामयाब होगा वो वक्त बताएगा। एक और बिग स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपने मेज़बान आशिक हुसैन साहब को इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।